नमस्कार, मैं अमरीश कुमार, सहायक अध्यापक बनारसी दास इंटर कॉलेज खेड़ा मुगल सहारनपुर, समन्वयक जिला समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जनपद सहारनपुर। आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ नया है और क्या कुछ पहले से अलग है। नई शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना भारत ने 2015 में ही कर ली थी। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडे के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण SDG को प्राप्त किया जा सके। सरकार की ये स्पष्ट मंशा है कि 2030 तक इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ आधार सिद्धांत हैं, उस आधार सिद्धांतों की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। अभी तक हम देखते थे शिक्षा प्रणाली में जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि हम कैसे नौकरी पा सकते हैं, केवल इसी को टारगेट करके बच्चे को पढ़ाया जाता था या बच्चा पढ़ता था। अभिभावक भी केवल ये बात ध्यान रखते थे कि ऐसा कौन सा कोर्स बच्चे को करा जाए कि जिससे उसको नौकरी मिले। लेकिन नई शिक्षा प्रणाली में उस उद्देश्य को चेंज कर दिया गया है और इस उद्देश्य को निर्धारित किया गया है कि अब हम अच्छे इंसानों का विकास करेंगे, अच्छे इंसानों को बनाएंगे। ये नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो इंसान अब बनेगा वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, अब उनकी हम परिचर्चा करते हैं। तर्कसंगत विचार होने चाहिए और उसके कार्य होने चाहिए, कार्य करने में सक्षम होना चाहिए और अब व्यक्तियों के अंदर करुणा भी होनी चाहिए, सहानुभूति भी होनी चाहिए, साहस भी होना चाहिए और लचीलापन भी होना चाहिए, वैज्ञानिक चिंतन भी होना चाहिए और रचनात्मक कल्पना शक्ति भी होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों और उसका एक आधार होना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 का शैक्षिक उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेश और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। हर बच्चे को उसकी विशिष्ट क्षमताओं से पहचाना जा सके और उनको स्वीकार किया जा सके। यहाँ पर सीधा इसका अर्थ है कि मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर क्रिकेट खेलने का गुण है तो हम उस गुण को पहचानें और उसी गुण का विकास कराएं। मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर कलाकृतियां बनाने का एक विशेष गुण है तो उस गुण को पहचान करके उसी गुण को बच्चे के विकसित किया जाए। अगर किसी बच्चे के अंदर पेंटिंग की कला है तो उसको पेंटिंग की कला को ही विकसित किया जाए। किसी बच्चे के अंदर गायन की कला है तो उसकी गायन की कला को ही विकसित किया जाए। यानी यहाँ पर इस नई शिक्षा नीति में ये जोर दिया गया है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को उनकी स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु हमें प्रयास करना है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को यहाँ पर सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। यानी बच्चे के अंदर वो साक्षर बने ये भी हमें जरूरी समझना है कि नई शिक्षा नीति में बच्चे को साक्षर करना भी बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चे के अंदर संख्याओं को जानकारी रहे, संख्या ज्ञान बच्चे को रहे, इसके लिए भी नई शिक्षा नीति में बहुत जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया है। अभी तक की शिक्षा नीति में 10+2 का एक प्रावधान था। अगर हम एकेडमिक स्ट्रक्चर को देखें तो जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है वो 10+2 है, यानी कक्षा 1 से कक्षा 10 तक बच्चा एक जैसा ही लगभग अध्ययन करता है, लेकिन 11वीं क्लास में जाकर के बच्चे को विभिन्न विषयों को लेने की छूट होती है। यहाँ पर बच्चे को 3 समूह दिए गए हैं,
पहला समूह विज्ञान वर्ग, जिसमें बच्चे साइंस साइड से संबंधित जो भी विषय होते हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा कला वर्ग, मानविकी वर्ग, यहाँ पर बच्चे मानविकी वर्ग से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग था वाणिज्य वर्ग। तो अब इन तीनों वर्गों को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग का बच्चा किसी दूसरे वर्ग के विषय को नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था 10+2 का स्ट्रक्चर, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में ये स्ट्रक्चर बदल दिया गया है और यहाँ पर 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर रखा गया है। अभी तक की जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें 6 साल का बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, लेकिन आगे इसमें परिवर्तन किया जा रहा है और अब 3 साल का बच्चा ही शिक्षा नीति का हिस्सा होगा। 3 साल के बच्चे से ही उसको रंगों का ज्ञान, उसको बहुत मामूली हल्की फुल्की चीज़ें उनका ज्ञान खेल खेल में उसको सिखा दिया जाएगा। और इसके बाद में जब बच्चा 3 साल प्री प्राइमरी में रहेगा उसके बाद में बच्चा पहली क्लास में आएगा। पहली क्लास और दूसरी क्लास मिला करके और पहले के 3 साल मिला करके इसको फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। ये फाउंडेशन जब मजबूत हो जाएगी बच्चे की उसके बाद में हम बच्चे को अगले सेक्शन में लेके आएंगे, यानी क्लास 3, 4 और 5 में। और ये जो 3, 4 एंड 5 क्लासेज हैं इनको बोला जाएगा प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को जब बच्चा पार कर लेगा तो इसके बाद में आता है मिडिल एजुकेशन, और यहाँ पर भी बच्चा 3 साल रहेगा, यानी क्लास 6, 7 और 8। इसके बाद में जैसे ही बच्चा क्लास 8 तक का अध्ययन कर लेगा उसके बाद बच्चा आएगा कक्षा 9 से 12, यानी ये 4th ईयर हैं। और इन 4 सालों में जो बच्चा पढ़ेगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन, और ये कक्षा 9 से कक्षा 12 तक रहेंगी। यहाँ पर भी एक विशेष बदलाव ये किया गया है कि कक्षा 9 के बाद की जो कक्षाएं हैं, कक्षा 9, 10, 11 और 12, इनमें बच्चे को सेमिस्टर वाइज एग्जाम्स देने होंगे। 6 महीने का एक सेमिस्टर होगा, बच्चा पहले सेमिस्टर का एग्जाम देगा और उससे आगे का सिलेबस नेक्स्ट सेमिस्टर में आएगा, यानी साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी और दोनों परीक्षाओं के मार्क्स उसके फाइनल मार्क्स के साथ में ऐड होंगे। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये बताना भी कि जिस प्रकार कक्षा 10 और कक्षा 12 में आज भी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, नई शिक्षा नीति में भी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन हो गया है कि पहले साल में केवल 1 बार बोर्ड की परीक्षा होती थी, लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर अब साल में 1 बार नहीं बल्कि सेमिस्टर वाइज एग्जाम होंगे, अर्थात साल में 2 बार बच्चे परीक्षा देंगे और दोनों परीक्षाएं बोर्ड की परीक्षाएं ही होंगी। यहाँ पर जो कक्षाएं हैं उनमें सतत मूल्यांकन की पद्धतियों को भी अपनाया जाएगा। सतत मूल्यांकन की जो पद्धतियाँ हैं उसमें स्व मूल्यांकन, यानी विद्यार्थी अपना मूल्यांकन खुद भी करेगा, साथ ही उसके जो सहपाठी हैं वो भी उसका मूल्यांकन करेंगे और जो गुरुजन हैं वो भी मूल्यांकन करेंगे, साथ ही जो परीक्षाएं होंगी उनका भी मूल्यांकन होगा। तो इस तरीके से अब सतत मूल्यांकन की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में की गई है। अब केवल मातृभाषा में ही या स्थानीय भाषा में ही या क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चा कक्षा 5 तक की कक्षाओं में अध्ययन करेगा। किसी भी विदेशी भाषा को बच्चे पर अब थोपा नहीं जाएगा। पूरा विश्व ये मानता है कि बच्चे के 85% मस्तिष्क का विकास केवल 6 साल की उम्र तक हो जाता है। अभी तक जो आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली है इसमें 6 साल के बच्चे को एडमिशन ही मिल रहा था, यानी 85% मस्तिष्क का विकास उसका पहले ही हो चुका है। तो अब हम उसको जो चीज़ दे सकते थे वो जो महत्वपूर्ण समय था वो हमारा निकल गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं सीखेगा, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बच्चे का समय था वो निकल रहा था। अब बच्चा जब 3 साल का होगा तो वो एडमिशन लेगा और उसको वहीं से पढ़ाना प्रारंभ किया जाएगा, वहीं से उसको शिक्षित करना प्रारंभ किया जाएगा और वहीं से उसको खेल खेल में सब कुछ सिखाया जाएगा। लेकिन सारा का सारा जो सिखाया जाएगा वो मातृभाषा में होगा, स्थानीय भाषाओं में होगा या क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। सरकार ने इस नई शिक्षा नीति में इसको भी डिफाइन कर दिया है कि इसको कक्षा 8 तक भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई केवल सेकेंडरी एजुकेशन में होगी, और सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक,
यानी कक्षा 9 से बच्चा विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर सकेंगे। हालांकि नई शिक्षा नीति ये बिल्कुल नहीं कहती कि किसी भी विदेशी भाषा को बच्चे पर थोपा जाएगा। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक लगभग 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से दूर रहते हैं सरकारी आंकड़े के अनुसार। तो इन 2 करोड़ बच्चों को 2030 तक के लक्ष्य है, 2030 तक नई शिक्षा नीति में उनको एनरोल्ड कराया जाएगा, स्कूलों में लाया जाएगा। आप समझ लीजिए, जब 2030 तक 2 करोड़ नए बच्चे स्कूलों में आएंगे तो निश्चित रूप से जो स्कूलों का बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, नए स्कूल खोलने पड़ेंगे, नए शिक्षकों की भर्तियां करनी पड़ेंगी और उस सब की व्यवस्था सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पहले भी हालांकि भारत में शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन बीच के समय में उसका नाम बदला गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया। अभी तक भारत में जीडीपी का 4.43% ही शिक्षा पर व्यय होता था, लेकिन सरकार ने इस लक्ष्य को भी बढ़ाया है और अब आने वाले समय में इस लक्ष्य को 6% किया जाएगा, यानी जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय होगा। ये भी अपने आप में शिक्षा के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। पढ़ने लिखने, जोड़ घटाने, संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, यानी कक्षा 6 के बच्चे को भी इंटर्नशिप कराई जाएगी। यानी बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि जो पेंटिंग में रुझान रखता है, तो वो पेंटिंग में इंटर्नशिप अपनी पढ़ाई के साथ साथ करेगा, कक्षा 6 का बच्चा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं खाली पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब पेंटिंग से नहीं है, ड्राइंग भी है, इसका मतलब गेम्स से भी है, इसका मतलब और बाकी चीज़ों से भी है। यहाँ पर 2035 के लिए उच्च शिक्षा के लिए भी लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। जैसे 2030 तक 100% बच्चे स्कूल में आएं, ये लक्ष्य रखा गया है, ऐसे ही 2035 तक 50% बच्चे उच्च शिक्षा में एनरोल्ड हों, ये भी लक्ष्य रखा गया है। जबकि 2018 के आंकड़े कहते हैं कि केवल 26.3% बच्चे ही अभी तक उच्च शिक्षा में एनरोल्ड होते हैं। तो यानी इस लक्ष्य को भी बढ़ा करके 26.3% से अब जो बढ़ा करके किया गया है वो 50% किया जा रहा है, यानी 50% बच्चे अब उच्च शिक्षा में प्रवेश लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। मान लीजिए कोई बच्चा 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेता है, लेकिन 3 साल 3.5 साल होने के बाद में बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। बच्चे को लगता है कि नहीं भाई, मैं तो शौक तो मेरा पेंटिंग का था और मैं कहाँ फंस गया इंजीनियरिंग करने के लिए, मुझे तो पेंटिंग में जाना था। तो अब बच्चा क्या करे, इंजीनियरिंग की 3.5 साल की पढ़ाई बेकार हो जाती है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति में मान लीजिए बच्चे ने 1 साल पढ़ा इंजीनियरिंग का कोर्स तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर बच्चे ने 2 साल पढ़ा तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर उसने 3 साल या 4 साल पढ़ा तो उसके अनुसार उसको डिग्री मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति में ये भी सुविधा होगी कि बच्चे किसी एक कोर्स को करते करते बीच में कभी भी एक निश्चित समय के बाद में कोई अवकाश निश्चित समय के लिए ले सकते हैं। यानी किसी कोर्स दूसरे कोर्स को ज्वाइन करना है तो वो पहले कोर्स से अवकाश ले लेंगे, दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, दूसरा कोर्स पूरा हो जाएगा तो वापस पहले कोर्स को पूरा कर लेंगे। तो ये सुविधा भी अब नई शिक्षा नीति 2020 में की गई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें और ज़्यादा जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी, संस्कृत, प्राकृत इन भाषाओं के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी IITI राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आज इतना ही। फिर करेंगे मुलाकात किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।